अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद, पंजाब प्लेस, पंजाब प्लेस, पंजाब प्लेस। इसके बारे में शोर मचाया हुआ है पिछले 6 नहीं 8 महीनों से। पाकिस्तान में पंजाब प्लेस के टेस्ट तो ऐसे होने वाला है जैसे कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं पीटीआई नू लीग वालों के। इतनी शोर मचा हुआ है जितना जैसे कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर सिस्टम होने वाला है, क्योंकि पंजाब प्लेस के अंदर सीटें आई काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बच्चों ने कॉन्स्टेबल के लिए, ASI के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया। सब इंस्पेक्टर वाले जिम्मे रखे हैं, उनका टेस्ट PPSC के थ्रू है, उनकी टेस्ट की डेट PPSC के थ्रू अनाउंस की जाएगी। अब पॉइंट यहाँ पर है, और सब इंस्पेक्टर की टेस्ट की डेट के बारे में मैंने वीडियो बना दी है, आई होप सो वो 4 या 5 सितंबर को अपलोड हो जाएगी, उसे लाजमी सुनिएगा आप लोग। अब आते हैं पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का टेस्ट की डेट्स प्रॉपरली, टेस्ट की डेट 16 सितंबर के बाद से शुरू हो रहे हैं। 16 सितंबर के बाद पंजाब पुलिस की टेस्ट की डेट शुरू हो रही है, राइट? और आप लोगों को SMS आने शुरू हो जाएंगे, तो पंजाब पुलिस की फुल तैयारी करें और इसके लिए एफर्ट करें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, जितने हो सके हमारी वीडियो को और तक शेयर करें ताकि हमारा पैगाम आपके ज़रिए काफ़ी आगे तक पहुंच सके। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। अब अगला बनाते हैं पंजाब पुलिस मैथ, ठीक है? सर पहले वो क्वेश्चन तो बताएं। क्या क्या कितने हदूद पे सफर? 4 जी, बताता हूँ वीडियो के बाद बताता हूँ। 4 कौन से? तुम ये उस दिन नहीं पता था बेटा, मेरे अंदर वह एक आदत है, मैं ना बात को अधूरा छोड़ देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को ना अधूरा छोड़ देता हूँ, मुकम्मल नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो पब्लिक थोड़ी रिसर्च कर लो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हमारा टॉपिक है पंजाब पुलिस का रिटर्न टेस्ट में मैथ के क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। पंजाब पुलिस की तैयारी करने के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट तो काफ़ी बार आ चुकी है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे वाली वीडियो बनाऊं, लेकिन आजकल 1 घंटे 2 घंटे वाली वीडियो को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और आप लोगों के लिए नशर करते हैं, राइट, यूट्यूब चैनल के ऊपर। फेसबुक पर जाकर सर्च कीजिए vakar.wahid121, आपको वहाँ पर फॉलो मिल जाएगा, फॉलो कीजिए, वहाँ जाएंगे, मेरा नंबर ईजिली मिल सकता है, मेरे नंबर पर SMS कीजिए, पूरी बात लिखिए, 48 घंटों तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद अगर रिप्लाई ना आए तो दोबारा SMS कीजिए। अगर कोई आपका टेस्ट बहुत करीब आ चुका है और करीब आ चुका है, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो वर्ड लिखें एमरजेंसी, तो फटाफट रिप्लाई आएगा। लेकिन इस एमरजेंसी के वर्ड का सही इस्तेमाल करना, अगर आप लोगों ने इस वर्ड का गलत इस्तेमाल किया तो हमारी टीम आपको डाल देगी ब्लॉक लिस्ट में और 6 महीने तक आप मेरे से कनेक्शन नहीं रख पाएंगे। 6 महीने के बाद आपको दोबारा टाइम दिया जाएगा, यानी I will give you just one more chance। और फिर अगर आपने एमरजेंसी का गलत इस्तेमाल किया देन फिर आपको लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें ज़रूरत है खास तौर पर लाजमी, ताकि इस वर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अब हमारे पंजाब पुलिस की तरफ, पंजाब पुलिस में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके मैथमेटिक्स मैथ के अंदर पास होना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। पंजाब पुलिस के अंदर जो कॉन्स्टेबल की पोस्ट है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो लोग 2 चीज़ों में फेल हो जाते हैं, एक इंग्लिश के अंदर और एक मैथ के अंदर। ये दोनों चीज़ें उनकी काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं और यही इससे वो कामयाब भी होते हैं और रिजेक्ट भी हो जाते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, आपको होमवर्क देना जा रहा हूँ, उस होमवर्क का आपने लाजमी करना है। पंजाब पुलिस के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे 4 किस्म के होंगे। पहला मैथ का क्वेश्चन जो आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेशन, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। ax² + bx + c, यानी उसे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। किस तरह करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आए, जो प्लस माइनस करके सेंटर वाला हो मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला बने। और थर्ड पॉइंट HCM SCF, HCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर और SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों आपको आने चाहिए। उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन, आज मैं देखो आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ निमरा की वजह से, ठीक है निमरा, आप जाके मेहनत कर ले, वरना ये मैंने बताने थे 15 सितंबर के बाद, फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे सॉल्व करना सीखो, साइन का सही इस्तेमाल करना। और दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन, थर्ड मैंने आपको बताया LCM SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके अलावा आपने इस बात को ज़हन में रखना है और को बताया मैंने अभी तक रेशियो वाले क्वेश्चंस, कौन से रेशियो वाले क्वेश्चंस, रेशियो वाले क्वेश्चन यानी पता है जिसमें रेशियो होता है, डिवाइड करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी के पार्टनर्स को, हमने देना हो प्रॉफिट वगैरह देना हो, तो वो रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए, LCM SCF वाले क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपका जो है मैंने बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले, राइट। और एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द मोस्ट मैथ के मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब पुलिस के बारे में, मैं उस बातों को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पंजाब पुलिस के अंदर मैथ के अंदर आप लोगों ने याद करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हमने मिड पॉइंट निकालना, तो जिसे हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड ब्रेक भी कहते हैं,
फर्स्ट अमाउंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो अमाउंट आती है उसका एलसीएम लेते हैं। कोई ऐसी आंसर आना चाहिए प्लस माइनस करके सेंटर वाली वैल्यू हो जाए और लास्ट वाली हो जाए। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि एससीएम और एससीएफ, एससीएम कौन से हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन जिसमें सब लिख देते हैं, इंटरसेक्शन जिसमें दोनों में कॉमन आता है, और कॉम्प्लीमेंट ए सी वाले। अगर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए माइनस यू, अगर यू की वैल्यू ना दी गई हो तो क्या सपोज करेंगे, जीरो से लेके टेन तक, जीरो से लेके टेन तक सपोज करेंगे। और डी मॉर्गन ला आना चाहिए, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन और रेशियो वाले क्वेश्चन, और उसके बाद एलसीएम वाले और एससीएफ वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बस आप लोग प्रिपेयर कर लो, कहीं से भी आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लो। मैथ का पोर्शन पंजाब पुलिस का आपका पास होगा 100%। अब इस चीज़ को आप लोग फॉलो करो, होमवर्क करो, देन मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिससे आप लोग तैयारी करेंगे और अपने पंजाब पुलिस के टेस्ट को आप लोग पास कर सकेंगे। देखते रहे चैनल सरकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।